नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है क्योंकि घर नहीं रिश्ते सवार रही हूँ। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। कहानी चोरों के लिए विशेष सूचना, ये एक स्वरचित कहानी है, इसे चोरी करके अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। माधवी, क्या कर रही हो, जल्दी करो ना यार, रौनक ने अपने बालों में कंघी करते हुए कहा। चलो ना, देखो मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, तुम ही तो बालों में कब से कंघी फिराए जा रहे हो। माधवी ने मुस्कुराकर आईने में झांकते हुए कहा। अच्छा जी, और आप कब से सजने संवरने में लगी हो उसका क्या, रौनक ने उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा। अच्छा, अब देर नहीं हो रही, चलो जल्दी चलो, अब छोड़ो मुझे, माधवी ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरवाजा खोलते ही बगल वाले फ्लैट की भाभी बाहर से आती हुई मिल गई। उन्होंने एक सरसरी सी नजर माधवी के घर के अंदर डाली और माधवी से नजर मिलते ही मुस्कुरा पड़ी। वो दोनों पार्किंग में पहुंचे, तभी माधवी को याद आया कि वो अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई है। उसने रौनक को बाइक निकालने के लिए बोला और वह पर्स लेने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी उसे सुनाई पड़ा, पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को बोल रही थी, देखो ना माधवी दिन भर घर बिखरा हुआ ही रखती है। खुद तो बंसवार कर निकल पड़ी और घर को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया है, इसे तो घर संभालने का बिल्कुल सलीका ही नहीं है। दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ और देखो ना, वह तो लगता है छुट्टी वाले दिन खाना भी नहीं बनाती है। माधवी के ऊपर पहुंचते ही दोनों पड़ोसने चुप हो गई। माधवी ने उन्हें तो कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, क्या हुआ अगर मैं एक दिन घर को बिखरा हुआ ही छोड़ देती हूँ, कोई साफ सफाई नहीं करती, आज रौनक की छुट्टी होती है, सप्ताह भर तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मैं भी दिन भर घर का सारा काम करती ही रहती हूँ। जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन हम सारा समय सिर्फ एक दूसरे को देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, मैं नाश्ता और लंच तो घर पर ही बना लेती हूँ, लेकिन डिनर तो हम लोग बाहर ही करते हैं। एक दिन बाहर खाना खा लिया तो क्या हो गया, जिंदगी में कुछ बदलाव भी तो होना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे क्या, मैं तो खुश हूं ना, काम तो रोज ही करना होता है, आज नहीं किया तो कल कर लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सप्ताह में एक दिन सिर्फ पति के लिए। दोस्तों, अगर एक दिन घर बिखरा रहने दें और रिश्तों को नई स्फूर्ति देने के लिए पति पत्नी एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय दें, तो इसमें क्या बुराई है, आप अपने विचार कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।